जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की महामैराथन क्लास में एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। विविध के 50 नंबर की सीरीज में प्रमुख फुल फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपकी भर्ती परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हुए हैं, आपके माता पिता एक गवर्नमेंट शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, किंतु आपके भविष्य से, आपके सिलेक्शन से बड़ा नहीं होगा। चलिए बिना देरी किए अब हम क्लास की प्रारंभ करते हैं, किंतु कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें उन तमाम प्रश्न का समावेशन किया गया है जो निश्चित रूप से आपके शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में आएंगे। तो बिना किसी शुभकामनाओं के आप केवल केवल अपना बेस्ट देना शुरू करें, कॉपी कलम लेकर बैठें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक चयनित शिक्षक के रूप में अगली बार हमें इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। यह क्लास पूरी तरह से निशुल्क होगा। एज ए गेस्ट टीचर के तौर पर मैं आपको बेशिक्षक परिवार की तरफ से निशुल्क शिक्षा राष्ट्रहित देशहित में दे रहा हूं, ताकि आप भी अपने आप में एक बेहतर शिक्षक बनकर भविष्य में अपने जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करते हुए राष्ट्र में सेवा करें और अपने परिवार की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, नाटो का पूरा नाम क्या है? तो सभी साथी फटाफट कमेंट करें, प्रश्न आपके सामने कब से दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह सही बता पाएंगे कि नाटो का पूरा नाम क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें और जवाब दें, नाटो का पूरा नाम क्या है। देखिए, नाटो का जो पूरा नाम है वह नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इस प्रश्न का, जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह 20 का राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था उनका सही है, लेकिन यह प्रश्न आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको एक सरकारी नौकरी करनी है, तब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है कि RAF किसका संक्षिप्त रूप है। ये काफी यूनिक प्रश्न है, ये काफी रटा रटाया प्रश्न है जो आपके भर्ती परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आप लोगों ने पूरी तरह से तैयार कर लिया होगा, और अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो बिना देरी किए उम्मीद करता हूं अब आप तैयार हैं, RAF का फुल फॉर्म क्या होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं सभी फटाफट कमेंट करें, गलत या सही। देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको गलत या सही सभी प्रश्नों के जवाब जरूर देने चाहिए। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो यकीनन देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा एकदम सही जवाब आपने बताया, रैपिड एक्शन फोर्स। एकदम राइट आंसर है। जी हाँ, आपने एकदम सही बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का सही जवाब होगा। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिदिन रात 9:30 बजे सरकारी शिक्षक बनने की निशुल्क तैयारी आपके बीच ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से, प्लेटफॉर्म की तरफ से, एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं आपके बीच हाजिर हूं। NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करें, और हम क्लास खत्म होने के अंत में आपके सभी प्रश्न का जवाब देंगे। लेकिन पहला टारगेट आपका सिलेक्शन, तेजी से प्रश्नों को शुरू किया जाए। देखिए, NREGP का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका उत्तर होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। माने इस प्रश्न का उत्तर जो होगा इसका सही जवाब होगा, माने जिन साथियों ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इसका जवाब दिया है, उन सभी के जवाब सही हैं। माने ए वालों का राइट आंसर है। जी हाँ साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस तरह आप प्रश्न का उत्तर बताते चलिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर किए हैं, ईश्वर करे अगले साल जब आप हमारे साथ हों तो बतौर सरकारी शिक्षक आप हमारे साथ पढ़ें। इसलिए हम आपसे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आप सफलता की लगातार बढ़ते रहिएगा। RMSA का फुल फॉर्म क्या है? दरअसल यह आपके शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न का जवाब सभी साथी जरूर दें। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें।
जितने लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है, ईश्वर उनको जल्दी से उनकी मनोकामना पूरी करे और इन्हें सरकारी शिक्षक जरूर बनाए। RMSA का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म होगा। ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इसलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न सवाल खत्म होने के बाद हम जवाब देंगे। एक ही वीडियो में संपूर्ण फुल फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंटरनेट के पते पर आपने देखा होगा HTTP होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उसका कमेंट करके जरूर जवाब दें। आपकी संख्या बहुत ही कम है, मैं आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें। आपकी परीक्षा में 2 अंक यहाँ से जरूर आएंगे, क्योंकि हम आपके बीच सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं, हम आपके बीच वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को, इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए, अगर आप नहीं जवाब देंगे तो हम ही इसका पूरा कर देते हैं। देखिए, इसका होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही जवाब होगा। मैंने जिन साथियों ने इस प्रश्न के जवाब डी दिया था, उन सभी साथियों का जवाब पूरी तरह से सही है और ऐसे सभी साथी सिलेक्शन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आप सभी के साथ जुड़कर, पढ़कर और पढ़ाकर, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से फिक्स हैं आपके। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, NIEO का पूरा नाम क्या है? तो जितने साथ इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं और वो भविष्य में सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दें। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। हाँ, जिसका फुल फॉर्म किसका पूछ रहा है, NIEO का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। कितने ऐसे सरकारी शिक्षक बनने वाले हैं जो इस प्रश्न का, देखिए कुछ लोग सोचते हैं गलत, तो गलत या सही आपको जवाब देना चाहिए। अगर ये आपके शिक्षक भर्ती में प्रश्न आता तब आप कौन सा विकल्प चयन करते हैं? तो ये मानिए कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे हैं और आपके पेपर में प्रश्न पूछा है। गलत होगा तो गलतियों से हम सीखते हैं। देखिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, ये एकदम यूनिक प्रश्न है। आजकल इकोनॉमिक्स को लेकर आपने देखा होगा GDP काफी नीचे जा रही है, इसलिए ये प्रश्न भविष्य में पूछे जा सकते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर इसका राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आगे बढ़ रहा हूं, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट, सभी प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके ऊपर है। DTP का पूरा नाम क्या है? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। इस क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके आप e-learning with दुर्गेश के टेलीग्राम पे जुड़कर निशुल्क क्लास, निशुल्क नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। और ये क्लास आपको 9:30 बजे चलती है। अन्य सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। DTP का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों ने इसका सवाल जवाब पूरी तरह से सही दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप भी देंगे। देखिए, DT का मतलब होता है, पहले तो डेस्कटॉप होता है, इसलिए यह दोनों उत्तर तीनों गलत हो गए। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका सही जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, DT का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पब्लिशिंग इसका सही जवाब होगा। तो जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था उनका सही है। यहां पे गलती करिएगा, परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। मैं आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने इस वीडियो को नए साथी देख रहे हैं, वे साथी लाल बटन को काला कर घंटा का बटन जरूर दबा देंगे। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? माने 3 सही है और 1 सही नहीं है। तो आपको कमेंट करके केवल यह बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। आप ये माने कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे हैं और आपके सामने प्रश्न है और आपको प्रश्न में उत्तर का चयन करना है और उत्तर गलत ना होने पाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखिए, पिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये सही है। NGT, तो जानते हैं NGT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, ये ग्रोथ की जगह ग्रीन होता है, इसलिए यह गलत है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही है।
एनएमए नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी, ये सही है, यहाँ भी पूछा है गलत है, तो जो गलत है वही सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी सही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, माने नकारात्मक विकल्प पूछा है, और नकारात्मक विकल्प जो है वो आपका बी है। तो सभी साथी बताइए, भारत में एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके विविध में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आज एक टॉपिक आपने क्लियर कर ली। हर दिन एक नए टॉपिक हम पढ़ते हैं जहां से आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, एमसीए का पूरा नाम क्या है। मैं उम्मीद करता हूं जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वे सभी इस वीडियो का, इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अगर आप लाइव दे रहे हैं तो लाइव दीजिएगा, अन्यथा अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप उसका उत्तर बाद में जरूर दीजिएगा। एमसीए का पूरा नाम क्या है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। एकदम हलवा, एकदम सरल प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता, बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए एकदम सही जवाब आ रहा है, और ऐसा लग रहा है आप सभी सरकारी शिक्षक बनने के लिए हैं, और ईश्वर करे जितने लोग इस वीडियो को लाइक किए हैं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर करे हैं, अगली बार अगले शिक्षक भर्ती में उनका चयन सुनिश्चित हो, हम भी ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका सही जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सभी साथियों ने एकदम सही जवाब दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछेंगे, बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। जितने साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट करके जवाब देंगे कि बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे साथियों ये जवाब जरूर दीजिएगा, बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे जरूर बताइएगा कि बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए सभी साथी। चलिए आप लोग इसका बताइए। देखिए काफी लोगों ने अलग अलग जवाब दिया है, कुछ लोगों ने सही तो कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसका सही जवाब है। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसका सही जवाब होगा। बी से बेसिक, टी से ट्रेनिंग, सी से सर्टिफिकेट इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ITCZ का पूरा नाम क्या है, और यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो इसका जवाब जरूर देंगे। जी हाँ साथियों, यह प्रश्न आपके ज्योग्राफी का है, और आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। यहां से आपके परीक्षा में दो प्रश्न फिक्स हैं, क्योंकि फुल फॉर्म से प्रश्न आते हैं, विविध में 50 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। ये जीएस में भी आ सकता है, विविध में भी आ सकता है, साइंस में भी आ सकता है, कंप्यूटर में भी आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको एक बेहतरीन सीरीज लेकर आता हूं, निःशुल्क, प्रतिदिन रात 9:30 बजे। देखिए ITCZ का पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जी हाँ, ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, और इसे हम ITCZ के नाम से जानते हैं। जी हाँ साथियों, सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगर आप चाहें तो भारत के भूगोल में इसका प्रश्न पढ़े होंगे, मानसून में, वर्षा में, आप इस प्रश्न को विश्व भूगोल में, मानसून में ITCZ को पढ़े होंगे। लेकिन अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप कितने में कितना सही करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ILO का नाम, पूरा नाम क्या है। अगर आप हमारी विविध की क्लास, शिक्षक भर्ती की क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव देख रहे होंगे, इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दे पाएंगे। सभी साथी बताएं, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जो लाइव है कमेंट करके बताएं। विद्या माइक को समय आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर, फेसबुक पर, फेसबुक स्टेटस पर, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइएगा। कर भला तो हो भला, अच्छे काम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। जैसे मैंने निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा की, और ईश्वर ने हमें भी, हमारे लिए हर मार्ग बेहतर तरीके से खोलते चले गए, और अंत में एक सहकारी शिक्षक के रूप में मुझे जगह मिली, और मैं आपके लिए निशुल्क सेवा
कर पा रहा हूं, मैं आपके लिए निःशुल्क रूप से पढ़ा पा रहा हूं, इसमें कहीं न कहीं वह भाव है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे। देखिए ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, यह हमने आपको बताया था। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप ये जानेंगे कि यह 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी साथियों का। देखिए LHC जितने लोगों ने वर्ल्ड जियोग्राफी में आपने पहला लेसन सोलर सिस्टम को पढ़ा होगा वह इस प्रश्न को जरूर जानते होंगे। ओरिजिन ऑफ द कॉस्मोस जिसने पढ़ा होगा वह इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानते होंगे। तो मैं इस वर्ष आप सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए, इतनी कम लाइक है, मतलब जितनी आपकी संख्या है उससे कम लाइक करने वालों की संख्या है। यार आप अपना समझ कर शेयर किया करिए, ये आप पढ़ा रहे हैं, आप अपने आप में सरकारी शिक्षक महसूस किया करिए, पर तब लोगों तक पहुँचाया करिए। LHC का फुल फॉर्म क्या होगा सभी साथी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, गॉड पार्टिकल का नाम आपने सुना होगा, तो गॉड पार्टिकल की खोज करने के लिए आपको इसकी, जी हाँ, ये जमीन से काफ़ी गहराई में बनाया गया था, ये जिनेवा में फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जमीन के नीचे स्थित है। LHC लार्ज हैड्रन जी कॉलिडर जी, इस प्रश्न का सही जवाब 20 का है, लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर, ये गॉड पार्टिकल की खोज के लिए बनाई गई थी। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे, बी वालों का उत्तर राइट आंसर था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये भूगोल का था, एस्ट्रोनॉमी और जिन आप कॉस्मोस जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें इस प्रश्न को जरूर पढ़ा होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है आपका सिलेक्शन। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी इस सिलेक्शन का हिस्सा बने, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा अपने अगले प्रश्न का। ISRO का पूरा नाम क्या है, तो भैया बिना देरी किए प्रश्न का जवाब दीजिए और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, यहां से आपकी वीडियो से 2 अंक पक्के हैं, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, इसको हम अगर देखें तो ISRO, इसे ही इसरो कहते हैं, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके बताइए। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं सभी साथी जवाब दें, सभी साथी जवाब दें। ISRO, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है ISRO, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बंगलुरु में है। जी हाँ, बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे भावी शिक्षक बंधु, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब इसका मुख्यालय बंगलुरु में हुई है। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाए लेकिन परीक्षा हाल में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रूप में। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आप सिलेक्शन के लिए एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं, तो हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BARC का पूरा नाम क्या है, तो कमेंट करिए मेरे साथियों, हमारे शिक्षक बंधुओं, हमारे भविष्य के भावी शिक्षक
शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो लोग प्रतिदिन 9:30 बजे लाइव आ जाए करिए, अलार्म लगा लीजिए। और अगर आपको ऑनलाइन से संबंधित कोई भी जानकारी क्लास या नोट्स चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद से चलती है और ये पूरी तरह से निःशुल्क क्लास 9:30 बजे चलती है, आपको सरकारी शिक्षक बनाने के लिए। जी हाँ हमारे साथियों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। जी हाँ दोस्तों, 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बताया है, ये ट्रांबे में किया गया था। जी हाँ, बॉम्बे के निकट एक ट्रांबे नामक स्थान है, वहां पर इसकी स्थापना किया गया है। याद रखिएगा, ट्रांबे में, ये बॉम्बे के समीप है, इसकी स्थापना यहाँ पर 1955 में किया गया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एकदम राइट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह परीक्षा वाले प्रश्न है, ये सिलेक्शन वाले प्रश्न है। क्या आप लोग की संख्या 1000 पहुंचा दीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप संख्या 1000 से ऊपर ले जाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच है, UNDP का पूरा नाम क्या है। जी हाँ साथियों, UNDP का पूरा नाम क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। UNDP का पूरा नाम क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब जरूर देंगे। सिलेक्शन वाले प्रश्न है और ये आपके लिए सरकारी नौकरी में एकदम योगदान है, एक नंबर यहाँ से फिक्स है। अगर आप आज की क्लास पढ़ लेते हैं तो आपके 1 से 2 प्रश्न पूरी तरह से फिक्स है। अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट करके बताइए अगर आप संतुष्ट हैं। एकदम सही जवाब वारे मेरे शिक्षक को साथियों, वारे शिक्षिका साथियों, बहुत ही सही जवाब है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ शिक्षक शिक्षिकाओं, एकदम सही है, इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNO का विकास संबंधित एक है। जी हाँ एकदम सही है, एकदम सही साथियों, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ये आप केवल यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या आप इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे, यस या नो, ये आपका जवाब है। अगर आपको लग रहा है मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं शेयर करिएगा, अन्यथा लोगों तक मत पहुंचाइएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक, जिसे IT कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं जितने साथ इस वीडियो को लाइव देख रहे होंगे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी साथी HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी साथी फटाफट जवाब जरूर देंगे। सभी साथी मानो ये परीक्षा हाल में बैठे हैं, मतलब कोई शेयर नहीं करना चाहता यार, इतनी मेहनत से पढ़ाओ तब भी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 20 प्रश्न का सही जवाब है, 20 प्रश्न का राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, 20 प्रश्न का सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, वेब पन्नों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, मानने से टीचर नहीं बनेंगे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपको मेहनत ही आपको सफलता की राह है। DIDA का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या होगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, ये भी आपके पाठ्यक्रम में या आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें और जवाब दें। जी हाँ साथियों, फटाफट कमेंट करिएगा। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी का सही जवाब होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब है। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, देखिए आपको जरूर देना चाहिए। ठीक है, चलिए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, NSG का पूरा नाम क्या होगा, एकदम मजेदार प्रश्न है, यह प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। NSG का पूरा नाम क्या है,
जी हाँ, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए कि एनएसजी की स्थापना कब हुआ था, 1984 में हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एकदम सही जवाब। ए इसका सही जवाब होगा, ए इसका सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है। 9:30 बजे का अलार्म लगा लीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से हमें शिखर तक पहुंचना है, और हजारों मील लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरुआत होती है। हम प्रतिदिन एक एक प्रश्न को तैयार करके हम अपने मंजिल तक का सफर तय करते हैं, और अब ये देखना है कितने ऐसे साथी हैं जो इस मंजिल को, कारवां को एक दिन 1000+ ले जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। HBJ गैस पाइपलाइन का पूरा अर्थ क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हों। HBJ का गैस पाइपलाइन का अर्थ क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ये गैस पाइपलाइन है, अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो यह लगभग 3474 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन है, और यह आपके हजीरा, बाजीपुर और जगदीशपुर में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपका, जी हाँ देखिए, यहाँ पे जो बीजापुर है इसके पास में विजयपुर है, याद रखिएगा। अगर परीक्षा में विजयपुर आ जाए तो विजयपुर भी आपको लगाना है। हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर इस प्रश्न का सही जवाब है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, PSLV का अर्थ क्या है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, यह भी आपके पाठ्यक्रम में है, यह भी आपके सिलेबस में है, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको सिलेक्शन तक ले चलना है। इसलिए PSLV का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और जल्दी हम इसके बारे में व्याख्या करके आपको बताएंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करके सही या गलत जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ये क्लास आपके सिलेक्शन के लिए है, ये क्लास आपको नौकरी दिलाने के लिए है, और इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और तभी आप सफल हो पाएंगे। क्लास पढ़ने से नहीं, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करिएगा, क्योंकि जीवन में अगर आपको सफल होना है उसकी एकमात्र चाबी आपका मेहनत है, वो भी राइट डायरेक्शन में होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एकदम राइट आंसर है। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उनके जवाब पूरी तरह से सही हैं। यह क्लास हमारे फेसबुक पेज लेनी भी दुर्गेश, यूट्यूब चैनल लेनी भी दुर्गेश पर पूरी तरह से निःशुल्क आप लाइव पढ़ रहे हैं, और अगर आप बाद में पढ़ रहे हैं तब भी आप अपना जवाब दीजिएगा। आप किस जिले से हैं जरा कमेंट करके उस जिले की विशेषता बताइएगा, ताकि GS भी एक नंबर तैयार हो जाए। जी हाँ, आप जहाँ से, जिस जिले से हों उस जिले की विशेषता बताइएगा। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ कि हम जौनपुर जनपद से हैं, और यहाँ पर मक्का, मूली और बेनीराम की इमरती बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमें GS भी तैयार हो जाएगा। कमेंट पढ़ने वाले साथी, लाइव रहने वाले साथी का एक GS तैयार हो जाएगा। जी हाँ हमारे साथियों, प्यारे मित्रों, भविष्य के भावी शिक्षकों, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके तरफ, ATM का पूरा नाम क्या है? तो जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी, ATM का पूरा नाम क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। जी हाँ, बाराबंकी में अफीम की खेती होती है, एक सवाल आ गया है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण स्थल, जगह का नाम चलते चलिएगा वहां मेरे साथियों। ATM का पूरा नाम क्या है कमेंट करते रहिएगा, और अपने जिले के बारे में बताते रहिएगा। जी हाँ, गाजीपुर शहीदों की धरती कही जाती है, कानपुर। देखिए विशेषता बताइएगा, और देखिए ATM का पूरा नाम ऑटोमेटिक जहाँ पर है ये होता है, ऑटोमेटेड होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न में एक गलती हो चुकी है, वो है ऑटोमेटेड होता है, मैटेड टेलर मशीन होता है। जी हाँ साथियों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर सी आप लगा सकते हैं। जी हाँ, गोरखपुर
दुनिया का या भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो पहले खड़गपुर का रिकॉर्ड तोड़कर आगे चला है। टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, गोरखपुर को। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह इससे क्या होगा, मथुरा को श्री राम की जन्मस्थली कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा हमारा जीएस और आपका जीएस तैयार हो रहा है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा प्रश्न, सिम का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ साथियों, भविष्य के हमारे प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, अध्यापक अध्यापिकाओं, सिम का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितना अच्छा क्लास चल रहा है, सोचिए हमारा कितना बढ़िया जीएस तैयार हो रहा है। अब आपको सिलेक्शन से क्या कोई रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंटरपोल का पूरा फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताइए। इंटरपोल का पूरा नाम क्या है। हम विविध के दो प्रश्न तैयार कर रहे हैं, जहां पे आज की टॉपिक है फुल फॉर्म। अगली टॉपिक जो होगी अगले दिन 9:30 इलर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव होगी, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर सिलेक्शन वाली क्लास, इंटरपोल का पूरा नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी साथी कमेंट करें। एकदम सही जवाब, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ए वाले एकदम सही है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। एकदम सही जवाब है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, सिम का फुल फॉर्म एकदम सही बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर। बागी बलिया, एकदम सही जवाब। ठीक है, हाँ सभी साथी बताते रहिएगा। देखिए इंटरनेशनल, इसको इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे एक नाम से और जाना जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, इसका फुल फॉर्म और लिख लीजिएगा, इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। सभी साथियों मेरा निवेदन है आपसे, जी हाँ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मेड्यूल सिम का फुल फॉर्म एकदम सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला सीआरवाई का फुल फॉर्म क्या होगा, मैसेज एमएसजी का मैसेज जो, अच्छा चलिए आगे आगे हम इसके बारे में देखते हैं। सी आर वाई का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथियों कमेंट करके बताइएगा। एक यूनिक प्रश्न है जो प्रश्न में पूछा जाता है। जी हाँ, भारत के सिराज जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। जी हाँ साथियों, हम जौनपुर जनपद से हैं, अपने जिले के नाम के साथ उसकी विशेषता बताइएगा, ताकि आपकी जीएस तैयार हो जाए। जैसे जौनपुर जनपद में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध हैं, पहला मक्का, दूसरा मूली, तीसरा अगर देखा जाए तो बेनी राम की इमरती। बेनी राम की इमरती काफी प्रसिद्ध है। तीसरा, पांच नदियों का शहर पंजाब को कहते हैं, और जौनपुर को भी पांच नदियों का शहर कहते हैं। ऐसे आप जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर चाइल्ड रिलीफ एंड यू, इसका राइट आंसर होगा चाइल्ड रिलीफ एंड यू। यह विश्व भर में जो बेसहारा असहाय बच्चों के कल्याण के लिए एक स्वयंसेवी संस्था है। जी हाँ, चाइल्ड रिलीफ एंड यू इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए एक प्रश्न का, बलिया का दादरी मेला एक प्रसिद्ध है, अपने यहाँ के मेला बताइएगा। जी हाँ साथियों, अपने जिले वीडियो को जरूर बताइएगा। लखनऊ है फेमस चिकन रिवर, गोमती, हाँ सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड बिजनौर से चली जाती है। जी हाँ उमा सानी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे चल रहे अगले प्रश्न की तरफ। क्या मजा आ रहा आज की क्लास में, पीआईओ का पूरा नाम क्या होगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, अपने जिले के बारे में विशेषता बताते चलिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। गोरखपुर की खिचड़ी मेला, क्या वाह क्या गजब है। बाराबंकी का देवा मेला, मेला भी आपका तैयार हो जाएगा। वारे मेरे साथियों, वारे भविष्य के अध्यापक, पीआईओ का पूरा नाम क्या होगा। जी हाँ, पीपुल ऑफ इंडिया ओरिजिनल इसका सही जवाब होगा। जी हाँ, विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को वीजा की प्रक्रिया से मुक्त करने के लिए उन्हें एक पीआईओ कार्ड मिलता है। पीआईओ कार्ड मिलता है, ठीक है, ये एक निर्णय लिया गया है हाल ही में, जल्द ही। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोग ऐसे प्रश्न देते रहेंगे उत्तर, इसका मतलब भविष्य में आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ढेरों शुभकामनाएं। अगला है,
आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जी हाँ, क्योंकि आज की क्लास जल्दी से खत्म होने वाली है, कल हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ेंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट, आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक होता है रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस, लेकिन आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसका है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इज ए राइट आंसर, सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा जो रेलवे पुलिस होता है यह राज्य सूची का विषय होता है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सूची का विषय होता है, ये एकदम रट्टा मान लीजिएगा, राज्य सूची का विषय रेलवे पुलिस होता है। जबकि अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे संघ सूची का विषय होता है। यह प्रश्न आपके संविधान में है लेकिन एक नंबर आपके विविध में आपका तैयार हो गया है, ठीक है। बलिया सबसे पहले आजाद होने वाला जिला है, बहुत ही सही दोस्तों। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वारे साथियों, कहां कहां के लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है पूरे यूपी से। और आगे एक प्रश्न है, जी हां दोस्तों आपके सामने है, सी आई बी, सी आई बी आई एल का पूरा नाम क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यहां से दो नंबर आपका फिक्स है, जी हां साथियों, दो नंबर आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में जरूर आएगा। सी आई बी आई एल का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एकदम सही। ये आप लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये क्लास लाइव चल रही है, प्रतिदिन रात 9:30 बजे से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव आप देख पाते हैं। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की लाइव क्लास चल रही है और यह 2000 में नामित हुआ था, यह क्रेडिट सूचना कंपनी है। जी हाँ साथियों, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, क्लास खत्म होने वाली है जल्दी, कुछ देर में क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। अमृत का पूरा नाम क्या है, एक यूनिक प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, यह क्लास आपके लिए काफी मददगार होने जा रही है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी, जी हाँ दोस्तों बताइए। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए कोई जानकारी अगर चाहिए तो यह जौनपुर जनपद से क्लास चलती है और यह ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, लेकिन यह क्लास पूरी तरह से निशुल्क 9:30 बजे लाइव चलती है। अलार्म लगा लीजिए क्योंकि आपको संख्या 1000 पार करना है, क्योंकि अब की बार सरकारी नौकरी आपके द्वार। चलिए अमृत का पूर्ण रूप क्या होगा, देखिए अटल मिशन फॉर, जी हाँ अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, यह एक नंबर में आपके लिए पूछा जा सकता है। तो भैया तैयार हो जाइए, सिलेक्शन के लिए बैठ जाइए, क्योंकि अब आपको सरकारी नौकरी करना है, ठीक है। जी हाँ, अगली बार सरकारी नौकरी आपके द्वार होगी जब इस वीडियो को अगली द्वार तक भेजेंगे। गाजीपुर को शहीदों की धरती कही जाती है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन IMF का फुल फॉर्म क्या है, अगर इस क्लास को लगातार आप देख रहे होंगे तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे IMF का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये हमने आपको पढ़ाया है, इसके बारे में मैंने समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और यह आज का आखिरी प्रश्न है, इसके साथ यह आज की क्लास खत्म होगी। प्रतिदिन 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर टेलीग्राम पे जुड़िएगा, जो भी साथी इसमें जुड़े हुए हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, मैं कभी कहता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। और 9:30 बजे ये फ्री क्लास आपके लिए लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर चलती है। ऑनलाइन संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं।
ठीक है, ये जौनपुर जनपद से चलती है। बताइए सभी लोग, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, अगर आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब आपको WHO का फुल फॉर्म बताना है, WTO का फुल फॉर्म ये मैंने पढ़ाया है, गैट का फुल फॉर्म आपको पढ़ाना है जी, बताना है आपको, जैसे नासा का फुल फॉर्म आपको बताना है, ये सभी आपका होमवर्क है। ये सभी क्या है? आपका होमवर्क है जी। हाँ दोस्तों, ठीक है, ये सभी आपके लिए क्या है? होमवर्क है। और हम उम्मीद करते हैं आप इस होमवर्क को पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि आपको भी सिलेक्शन लेना है, आपको भी नौकरी लेना है। यूनिशेप का फुल फॉर्म क्या है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में एक नहीं बार बार पूछे जा सकते हैं, इनका मुख्यालय भी पूछिएगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को सभी साथी रट्टा मार लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन एमरजेंसी फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे ठीक है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? ये सभी एकदम रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी नौकरी करना है। मेरा व्यक्तिगत नंबर, ये ऑफिस का नंबर है जो ऑनलाइन नोट्स क्लास से संबंधित ले सकते हैं, मेरा व्यक्तिगत नंबर है 9506701777। इस पर केवल टेक्स्ट मैसेज करिएगा, कॉल करने से बचिएगा। ये मेरा व्यक्तिगत पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सभी के द्वार जल्दी से सरकारी नौकरी की बहार आए। और आप लोगों ने, जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, ईश्वर करे जल्दी से जल्दी उनके द्वार सरकारी नौकरी की बहार जाए। जो लोग दिल से इस क्लास में लगे थे, और ईश्वर उनके लिए जल्दी से नौकरी बताए। हमने सभी का फुल फॉर्म अपने सभी लेक्चर में बता दिया है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इसका जवाब सभी जानते होंगे। इनको मैंने सभी को पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में, और जितना भी मेरी क्लास चलती है, जैसे पैन का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सारे प्रश्न मैंने पढ़ा दिए हैं, ये सारे प्रश्न आपके लिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो जरूर पूछिएगा। कल हम लोग एक नए टॉपिक से पढ़ेंगे, क्योंकि हर दिन एक नंबर की तैयारी, 150 दिन में 150 नंबर का तैयारी करेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं, और आपको रेस में ही रहना है, आपको डेली पढ़ना है। बाकी क्लास टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। कोई सवाल, आपका कोई सवाल हो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। जी हाँ, नीलू गुप्ता जी ने सही बताया है, पैन का फुल फॉर्म। ये सभी फुल फॉर्म क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर बताइएगा। जी हाँ, एकता जी ने बता दिया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कोई सवाल आपके मन में है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न आपके मन में है तो पूछ सकते हैं, कोई फुल फॉर्म आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं तो टेस्ट ले सकते हैं। आपके मन में अगर कोई है तो ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज लेनी पे दुर्गेश पे, एज ए गेस्ट फैकल्टी निःशुल्क मैं आपके बीच लेकर ये क्लास आता हूँ, कि मेरा उद्देश्य है आप भी सरकारी नौकरी करें। तो क्या आप डेली 9:30 बजे लाइव रहेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो के अंत में वाई कमेंट करिएगा, अगर नहीं तो यन कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, सुपर टेट के लिए मैंने कई वीडियो डाले हैं, कॉलेज के लिए मैं दोबारा लाइव आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबवा दीजिएगा, क्योंकि आज यह परिवार काफी बड़ा होता जा रहा है इलर्निंग विद दुर्गेश का। मुझे भी इस बात की खुशी है। ये क्लास जौनपुर जनपद से चलती है, और अगर आप जौनपुर से हैं तो भैया आपका मोस्ट वेलकम, आप हमसे मिल सकते हैं। बाय बाय। 9:30 बजे वाले बहुत हैं, अनुज जी हमको गाना नहीं आता। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ईश्वर करे आप सभी को। मोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत अच्छा लगा लोगों के साथ मिलकर पढ़कर पढ़ाकर। ईश्वर करे आपके द्वार जल्दी नौकरी की बहार आए। यह आपके घर खुशियों का त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार। आपके आने वाले दिनों में इतने जीवन में प्रकाश लाए, उसकी प्रकाश से उसकी चकाचौंध हो जाए, और आपका जीवन बेहतर
हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चलते हैं, बाय बाय। कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, भोजपुरी बहुत बढ़िया बोली थी, ऐसा ना भोजपुरी बढ़िया ना बोली जैसे हम लोग को जो ना कई भाषा